गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा। यस स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर सेकंड है पॉलीनोमियल्स, इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 2.3 तक जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पॉलीनोमियल से रिलेटेड कुछ बेसिक सीखा, जैसे टर्म के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं पॉलीनोमियल, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन के होते जाते हैं बताइए। और उसके बाद फिर हमने सीखा जीरो से निकालना या फिर जीरो चेक करना कि ये जीरो है या नहीं है किसी पॉलीनोमियल का। उसके बाद फिर हमने सीखा रिमाइंडर निकालना विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड विद डिवीजन मेथड, हमने रिमाइंडर निकालना सीखा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू फैक्टराइज आर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड आर क्यूबिक पॉलीनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को और एक क्यूबिक पॉलीनोमियल को किस प्रकार से फैक्टराइज कर सकते हैं। एक बात का हमेशा बेटा याद रखना है आपको, जितने डिग्री होगी उतने ही फैक्टर आएंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे। अगर डिग्री एक है तो एक फैक्टर होगा, डिग्री दो है तो दो फैक्टर होंगे, डिग्री तीन है तो तीन फैक्टर होंगे, चार है तो चार फैक्टर होंगे। अकॉर्डिंग टू डिग्री वी कैन मेंशन देयर फैक्टर्स, ठीक है ना। फैक्टर्स जो है वो डिग्री पर डिपेंड करते हैं। अब मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखते हैं बेटा यहां क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो पॉलीनोमियल होता है जिसमें जो डिग्री है बेटा वो क्या होती है, टू होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले देखें इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें जो वेरिएबल है वो है एक्स। अब उसकी हाईएस्ट पावर देखो क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर टू, इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। एंड वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो बेटा जो सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या होता है, वो ये देखिए। देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट है टू, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है टू, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर सेवन, ऑप्शन नंबर एक्स इज सेवन। एंड देयर इज अ कांस्टेंट टर्म दैट इज थ्री, एक कांस्टेंट टर्म है जो क्या है थ्री है। अब ध्यान से सुनिएगा कि हम किस प्रकार से इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात करते हैं तो हमें बेटा दो नंबर ढूंढने होते हैं, दो नंबर ढूंढने में एक बार उन्हीं दो नंबर को या तो प्लस करें या माइनस करें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, एक बार उन्हीं नंबर को क्या करें या मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जो दो नंबर हम फाइंड करेंगे उन्हीं को तो प्लस या माइनस करना है और उन्हीं को क्या करना है, गुणा करना है। तो आंसर क्या आना चाहिए अपने पास, तो जो आंसर अपने पास आना चाहिए वो होगा जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो वेरिएबल जहां पर पावर एक है उसका कोएफिशिएंट देखो। अब वेरिएबल की पावर एक यहां पर है सेवन एक्स और इसका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है सेवन, तो जब हम दो नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जो कुछ भी करेंगे तो उस टाइम जो आंसर है वो कितना आना चाहिए हमारा सेवन आना चाहिए, ठीक है। अब उन्हीं दो नंबर को गुणा भी करना है, अगर हम उन्हीं दो नंबर को गुणा करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, तो वो आंसर आना चाहिए देखो ये तो अपना काम आ चुका है, बाकी जो बच गए ना उसकी मल्टीप्लाई क्या क्या बचा है, तो कॉन्स्टेंट टर्म बची है और एक एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट बचा है, एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट क्या है टू और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है थ्री, टू इंटू थ्री कितना जाएगा सिक्स आ जाएगा। जब हम उन नंबर्स को प्लस या माइनस करेंगे तो सेवन आना चाहिए और जब हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए सिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब बेटा देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सिक्स देख लो किस किस की टेबल में आता है, सिक्स वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है, थ्री की टेबल में आता है और किसी टेबल में आता है सिक्स की टेबल में आता है, ठीक है। अब देखो वो नंबर जो अपने पास आएंगे वो
नंबर क्या है नेगेटिव हो या अगर दोनों ही नंबर क्या हो पॉजिटिव हो, दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव है ना उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगी, या दोनों नंबर की मल्टीप्लाई जो दोनों नंबर माइनस हो गए दोनों की मल्टीप्लाई क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी। अब मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो इन दोनों बीच में से आएगा ठीक है, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो प्लस या माइनस करेंगे तो वो भी नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन यहां पर क्या आया पॉजिटिव वैल्यू आई तो पॉजिटिव वैल्यू उस टाइम बनती है जब दोनों ही नंबर क्या हो पॉजिटिव हो, क्लियर है सभी को ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि जो अपने पास दो नंबर आएंगे ना दोनों नंबर क्या होंगे पॉजिटिव होंगे ठीक है। अब आगे देखो मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए, अगर जोड़े तो सेवन आए, तो देखो वन और सिक्स, देखो वन की सिक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया सिक्स आया, और वन में सिक्स जोड़ा तो क्या आया सेवन आया, सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इसको ठीक है ना। तो देखो वन और सिक्स ये दो नंबर आ गए हैं जिनको जोड़ेंगे तो सेवन आएगा और गुणा करेंगे तो सिक्स आएगा ठीक है। तो अब इनका नंबर का इस्तेमाल करना कहा है, जो वन और सिक्स आए ना ठीक है इनका इस्तेमाल करना कहा है, इनका इस्तेमाल करना है एक्स के कोफिशिएंट के साथ ठीक है ना। तो वो देखो कैसे टू एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज रखो, देखो सेवन को क्या लिख सकते हैं बेटा हम सिक्स प्लस में वन, सिक्स प्लस वन लिख सकते हैं सेवन को इंटू में क्या आ गया एक्स प्लस में थ्री, सिक्स प्लस वन को निकाल के फिर क्या करते हैं पास को दो नंबर आए हैं एक सिक्स आया और एक क्या आया है वन आया है, जिनको प्लस या माइनस करें तो सेवन आता है मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है सिक्स आता है। तो देखो टू एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज रखेंगे प्लस में सिक्स की एक्स से गुणा की सिक्स एक्स आ गया, वन की एक्स से गुणा की एक एक्स आ गया प्लस में क्या आ गया थ्री। अब हमारे पास चार टर्म आ गए, पहली दो टर्म को अलग कर दो और लास्ट की दो टर्म को अलग कर दो, देखो पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आता है टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, इसमें से टू कॉमन आता है और एक एक्स कॉमन आता है, टू कॉमन आ गया एक एक्स कॉमन आ गया तो एक एक्स बचा बेटा यहाँ, और यहाँ से देखो सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे थ्री बचेगा ना एक्स एक्स हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ पर एक्स प्लस थ्री इसमें कुछ कॉमन आता ही नहीं तो वन लिख देंगे बाहर और यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस थ्री, यहाँ प्लस का या माइनस का जो भी साइन लगा है बेटा वो लगाना जरूरी है, अगर आप यहाँ पर कोई साइन आगे लगाते हैं इससे मतलब क्या होगा ये सारा जो है क्या आ गया मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखो एक टर्म ये है एक ये है इनमें से जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो कॉमन आ रहा है एक्स प्लस थ्री को हमने ले लिया कॉमन, एक्स प्लस थ्री ले लिया कॉमन यहाँ पर बच गया टू एक्स और यहाँ क्या बच गया अपने पास वन बच गया, एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन ये इससे क्या आ गए फैक्टर आ गए, हम इसे लिख देंगे दीज आर आर फैक्टर्स, ये क्या है फैक्टर्स जो है वो आ गए हैं क्लियर है बेटा सभी को ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है उसको फैक्टराइज हम करते हैं क्लियर है बेटा सभी को ठीक है ना। तो आप जो एक्सरसाइज 2.4 है जैन चैप्टर में तो उस एक्सरसाइज का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको फैक्टराइज भी करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को, तो आप क्या करेंगे उसमें आप ये क्वेश्चन जो है ये करके देखेंगे अच्छे से, अगर वहां से आपको फैक्टराइज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसी टाइम चेक सेक्शन में आप क्या करें टाइप करें कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है प्लीज आप इस पर क्या करें वीडियो बना दें ठीक है। ये तो था बेटा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसको किस प्रकार से फैक्टराइज किया जाएगा ठीक है तो वो देखेंगे आप ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा लेंथी है बेटा ये लेकिन सही बच्चे तो ध्यान से समझेंगे। अब बात आती है क्यूबिक पॉलीनोमियल की ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल क्यूबिक पॉलीनोमियल को एक एग्जांपल ले लेते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल का, देखो कैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू ये पॉलीनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, दैट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू क्या आ जाएगा टू आ जाएगा ठीक है। अब हम इसको क्या करना सीखेंगे फैक्टराइज करना सीखेंगे क्योंकि पॉलीनोमियल को इस प्रकार से फैक्टराइज किया जाता है
अच्छी बात है, अगर जीरो नहीं आता तो वन इसका माइनस वन रख के देखें, माइनस वन से ना आए तो टू रख के देखें, माइनस टू रख के देखें। लेकिन क्लास नाइन अगर जो फैक्टराइजेशन करते हैं इसमें ये छोटा की लैम है, इस तरह से वन या माइनस वन तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें ये पता चल जाए कि वन रखने से ये जो पॉलीनोमियल वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, लेट एक्स इक्वल टू वन, एक्स क्या मान लिया हमने, वन मान लिया। ठीक है, तो देखो पी ऑफ वन किससे इक्वल आएगा, पी ऑफ वन देखो किससे इक्वल आएगा, वन क्यू माइनस टू इंटू वन स्क्वेयर माइनस वन प्लस क्या जाएगा टू। देखो वन क्यूब क्या होता है, वन वन स्क्वेयर वन वन की माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस वन प्लस टू। देखो वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया और माइनस टू प्लस टू भी कैंसिल आउट हो गया, इससे इक्वल आ गया जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर एक्स की वैल्यू जब हम वन रखेंगे इस पॉलीनोमियल में तो ये जो पॉलीनोमियल है वो क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब जो एक्स इज इक्वल टू वन है इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, एक्स इस पॉलीनोमियल का जीरो है। इसका मतलब ये है कि वन लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगी एक्स माइनस वन, ये सब फैक्टर है। जो भी वैल्यू आपके इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो जो भी अपने पास बनता है वो पॉलीनोमियल क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। बल्कि ये एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलीनोमियल, जो भी हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। देखो बेटा अगर एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स माइनस वन से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी पहला फैक्टर हमारे पास आएगा उस फैक्टर से हमारे पॉलीनोमियल को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं एक्स माइनस वन से, हमें डिवाइड करना है हमारा पॉलीनोमियल है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में टू। कल मैंने आपको डिवीजन मेथड सिखाया था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। देखो बेटा यहां x की पावर तीन चाहिए, x की पावर एक दे रखी है तो x की पावर दो हमें चाहिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x की पावर दो, x रेज़ टू पावर टू इंटू एक्स, x क्यूब आ गया ना, प्लस की वैल्यू है माइनस की होगी, क्या हो जाएगी कैंसल आउट हो जाएगी। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस वन से ही तो करते हैं हम, x की मल्टीप्लाई माइनस वन से की माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस का है दो एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक एक्स स्क्वायर में से दो एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा ना, अब बचे जो करता है वो उधर तो माइनस एक्स प्लस टू हमने उतार दिया। अब देखो यहाँ पर बेटा जो साइन है वो पॉजिटिव है लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए, तो साइन यहाँ पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। अब हमें एक्स की पावर टू चाहिए, दे रखी है एक्स की पावर एक, मीन एक्स की पावर एक जो है उसकी कमी है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस को भी कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस वन की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और एक्स की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा, साइन क्या लग जाएगा नीचे माइनस, माइनस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, जो ये हमने फैक्टराइज किया था ये सही था क्योंकि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है तो जीरो रिमाइंडर आना चाहिए था, और रिमाइंडर जो क्या आ गया है जीरो ही आ गया है। ठीक है, अब हमें एक बात का पता है, जो डिविडेंड होता है ना वो किससे इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखते हैं बेटा साइड में, जो डिविडेंड होता है ना यहां लिखा हुआ है डिविडेंड ये किससे इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसाइन प्लस में क्या आता है, रिमाइंडर। ठीक है ना, तो देखो यहां पर डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमारा
मल्टीप्लाई मीन्स वेरिएबल की पावर दो का कोफिशिएंट ओवर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। यहां 1 है यहां माइनस 2 है, 1 की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 2 आएगा। तो वो दो नंबर जिनको प्लस या माइनस के लिए तो आए माइनस 1 और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए माइनस 2 आए। वो कौन-कौन से हैं? वो नंबर होता है 1 और माइनस 2। देखो 1 में से 2 घटाओ बेटा क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा ना, और 1 की माइनस 2 से गुणा करें तो क्या आएगा माइनस 2 भी आएगा। अब ये सबको ठीक है। अब 1 और माइनस 2 x स्क्वायर एक बार ए लिखेंगे और एक x से गुणा किया x आएगा, एक बार माइनस 2 लिखेंगे माइनस 2 x आ जाएगा माइनस 2 x माइनस 1 एज इट इज। अब देखो बेटा यहां से क्या कॉमन आता है x कॉमन आता है अंदर बचेगा x प्लस 1, यहां से माइनस 2 कॉमन आएगा अंदर बचेगा x प्लस 1। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से प्रोसेस होता है ठीक है। x माइनस 1 एज इट इज यहां से